हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज मेरे किचन में समर ड्रिंक आम का पन्ना बन रहा है। आम का पन्ना गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, यह हमें लू से भी बचाता है और तरोताज़ा भी रखता है। तो आइए बनाते हैं मेरे तरीके से। यहाँ पे मैंने करीब 750 ग्राम मैंगो, कच्चा मैंगो लिया है। देखिए बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे साइज के ही हैं। देखिए अब इसका मैं ऊपर का डंठल काट दूंगी और बीच बीच में चीरा लगा दूंगी। देखिए इस तरह से 3-4 चीरा लगा देंगे, सभी आमों को इसी तरह कर लेंगे। इसी तरह सभी आमों को इसी तरह चीरा लगा लेंगे। देखिए सभी आमों को डंठल को काट के सभी को चीरा लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसे मैं एक गहरे बर्तन में उबलने के लिए चढ़ा दूंगी। कच्चे आमों को उबलने के लिए गैस पर चढ़ा देंगे, इसे हाई करके उबलने देंगे। जब ये उबलना शुरू हो जाए तब फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट लगेंगे पकने के लिए। देखिए 15 मिनट में ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम छील लेंगे। इसके छिलके आसानी से उतर जाएंगे। देखिए इस तरह से अब इसके आम के पल को एक बर्तन में इकट्ठा करते जाएंगे। देखिए इस तरह से और छिलकों में जो आम का पल्प है उसको भी चम्मच की सहायता से इस तरह निकाल लेंगे। सारे आम के पल्प को इसी तरह हम निकाल लेंगे बर्तन में। देखिए इस तरह से। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक शेयर कर देंगे और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए इस तरह से सारे पल्प स्पून की सहायता से निकाल लेंगे। सारे आम इसी तरह छील के और सारे आम के पल्प को निकाल लेंगे। आम का सारा पल्प निकल चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और हाथों की मदद से इसके सारे पल्प को गुठलियों से अलग कर लेंगे और गुठलियाँ हटा देंगे। अभी आम मार्केट में आ ही रहा है, इस गुठलियाँ सारे इसके अभी सॉफ्ट ही रहते हैं। देखिए आसानी से निकल जाते हैं। सारी गुठलियाँ हम निकाल लेंगे, इसे एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। अब इसे मिक्सर जार में डालेंगे। देखिए इस तरह से डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने फ्रेश पुदीना लिया है जो मेरे गमले की है, इसे अच्छी तरह से धो लेंगे और इनके पत्ते को हम मैंगो पल्प के साथ जार में ही डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ग्राइंड होने के बाद ये फाइन पेस्ट की तरह तैयार हो चुका है। अब इस पल्प को मैं स्ट्रेनर से छान लूँगी। देखिए इस तरह स्ट्रेनर में सारे पल्प डालेंगे और इसे स्पून की सहायता से छान लेंगे। मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और उसको भी स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरह से छान लेंगे। देखिए इस तरह से इससे आम के और पुदीने के सारे डंठल और रेशे निकल जाएंगे। देखिए इस तरह से मोटा वाला पार्ट निकल जाएगा। अब ये पल्प तैयार है।
इस तरह पल्प बनाकर आप फ्रीजर में रख सकते हैं। इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। आइए इस ड्रिंक को सर्व करते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच मिर्ची का पाउडर लिया है और 1/2 इंच शुगर का पाउडर लिया है, चीनी का पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब 2 गिलास लेंगे कांच का, इसके किनारों पर नींबू का रस लगा देंगे इस तरह से। अब इन्हें ये शुगर और लाल मिर्च के पाउडर में इस तरह से लेयर चढ़ा लेंगे। ये देखने में सुंदर लगता है। देखिए इस तरह से। अब दोनों गिलास में मैं बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालूंगी। देखिए इस तरह से। यहाँ पे मैं 2 तरह का ड्रिंक बनाऊंगी। फर्स्ट वाला गिलास में 1 चम्मच चीनी का पाउडर डालूंगी, 1/2 चम्मच सादा नमक, 1/2 चम्मच काला नमक और भुना हुआ जीरा का पाउडर 1/2 चम्मच। दूसरे गिलास में 1/2 चम्मच सादा नमक, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे। अब इसमें मैंगो पल्प डालेंगे। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच मैंगो पल्प डाली हूँ और इसमें अब पानी से पानी डालेंगे। इस तरह से इसे भर देंगे। अब इसे स्पून से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से। एक मीठा और एक नमकीन ड्रिंक तैयार है। मैंगो के पल्प को इस तरह स्टोर करके रखेंगे तो जब चाहें आप मीठा या नमकीन ड्रिंक सर्व कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।